हाय दोस्तों, हाय दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जो पशु पक्षियों के से संबंधित है। गिद्धों का विलुप्त होना। ये जो गिद्ध हैं हमारे देश में विलुप्त क्यों हो रहे हैं? 1980 के दशक में भारत में सफ़ेद पूंछ वाले गिद्धों की संख्या करीब 800 लाख थी। आज 2016 इनकी संख्या में 2016 में 40,000 से भी कम हो चुकी थी। टोडों समेत ये दुनिया में किसी भी पक्षी प्रजाति में सबसे तेजी से हुई कमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि गिद्ध स्वच्छता के काम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गिद्धों के विलुप्त होने से नतीजा ये हुआ है कि चूहों की संख्या में अचानक बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे ही कई और परिणाम देखे गए हैं। गिद्धों की संख्या में हुई कमी की वजह से वर्ष 2015 तक पर्यावरण स्वच्छता के लिए करीब 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ है। भारतीय गिद्ध का परिचय दे दूंगा। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो बड़े बड़े पशुओं के शवों को खाते हैं और इसलिए पर्यावरण को साफ रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाल महाकाव्य रामायण में किया गया है, जहां रावण की चंगुल से सीता को बचाने के लिए गिद्धों के राजा जटायु ने अपनी जान गंवा दी थी। आज भारत में गिद्धों की तेजी से कम होती आबादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। देश में गिद्धों की आबादी 60 मिलियन 1990 में से कम होकर 40,000 2016 में रह गई थी। मार्च 2012 में यह घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश राज्य से गिद्ध समाप्त हो चुके हैं और हैदराबाद के नेहरू जैविक उद्यान में इस प्रजाति के गिद्ध के पक्षी सिर्फ 5 जीवित बचे हैं। गिद्धों की अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं और औसतन भारत में इनके सबसे देसी प्रतिनिधियों का वजन 3.5 से 7.5 किलोग्राम के बीच होता है। लंबाई 75 से लेकर 93 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 6.3 से 8.5 फीट का होता है। गिद्ध 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी को आसानी से देख भी सकते हैं। गिद्धों से हमको क्या क्या लाभ हो रहे थे? गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते थे। ये मृत व सड़ रहे पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर खाते थे और इस प्रकार मिट्टी में खनिजों की वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाते थे। इसके अलावा मृत शवों को समाप्त कर वे संक्रामक बीमारियों को फैलने से भी रोकते थे। गिद्धों की जो गैरहाजिरी में मूसक तथा आवारा कुत्तों जैसे पशुओं द्वारा रेबीज जैसी बीमारी के प्रसार को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में पारसी समुदाय पारसी धर्म के अनुयायी अपने मृत शवों के निराकरण के लिए
परंपरागत रूप से गिद्धों पर ही निर्भर रहते थे। इसलिए कई सदियों से भारत के गिद्ध पारसी धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिस्थिति की तंत्र सेवा प्रदान कर रहे हैं। गिद्धों के भारतीय गिद्धों के मौत का कारण क्या होता? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विश्लेषण के अनुसार डिक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग भारत में गिद्धों के लिए मुख्य खतरा है। डिक्लोफेनाक एक गैर स्टेराइल सूजन रोधी दवा है जिसको हम NSAID के नाम से जानते हैं, जो मांसपेशियों के दर्द के समय लगाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के जेलों, क्रीमों व स्प्रे का घटक है। यह दवा पशुओं पर भी समान रूप से प्रभावी होती है और जब कामकाजी पशुओं को इसे दिया जाता है तो उनके जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और इन्हें अधिक समय तक बनाए रखता है। इसलिए पशुओं के दर्द निवारक के तौर पर डिक्लोफेनाक का बड़े पैमाने पर प्रयोग भारतवर्ष में गिद्धों की मौत का वजह बना है। चूंकि गुर्दों को इस दवा के शरीर से बाहर करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी ये पशु के शरीर में मौजूद रहता है। चूंकि गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं और इसलिए वे पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर ग्रहण करते हैं। एक बार जब वे डिक्लोफेनाक मांस का प्रदूषित मांस का सेवन कर लेते हैं तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। भारत में गिद्धों के कीटनाशक प्रदूषण भी एक खतरा है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन DDT का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। ये गिद्धों के शरीर में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है, जहाँ तक एस्ट्रोजन हार्मोन्स की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप अंडकोश कमजोर हो जाता है और अंडों की असामयिक सोने की प्रक्रिया होती है जिससे भ्रूण की मौत हो जाती है। गिद्धों का समाप्त हो जाना गंभीर चिंता का विषय है और इन विलुप्त प्राय होते पक्षियों को बचाने के लिए तत्कालीन कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। भारत में गिद्धों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाए जाने की ज़रूरत है। डिक्लोफेनाक का कारगर विकल्प विकसित करने और उपलब्ध विकल्प मेलाक्सिकेम पर सब्सिडी देने की ज़रूरत है। जंगल में गिद्धों की, खासकर गिद्ध के विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की फिर से वापसी के उद्देश्य से एक्सटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के बड़े पैमाने पर गति और तेज गति से करने की आवश्यकता है। गिद्धों के लिए विषमुक्त भोजन, स्वच्छ पानी और बोन चिप्स और सुरक्षा तथा स्वतंत्रता हेतु तार के घेरे का भी आवश्यक होना जरूरी है। इन सब बातों से हम गिद्धों की ये विलुप्त प्रजाति को बचा सकते हैं और अपने भारत में जो प्रदूषण हो रहा है और इससे भी हम बहुत आसानी से बच भी सकते हैं। वैसे भारत के यूपी, मध्य प्रदेश या और भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर गिद्धों का देखा जाना अब बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अन्य जो जगह पे प्रदेशों में आज भी गिद्धों को देखा जा सकता है और इसलिए ये ज़रूरी है कि गिद्धों की देखभाल की जाए
और उनकी जो प्रजाति विलुप्त हो रही है उसको बचाया जाए, ये हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक ही रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।